नमस्कार दोस्तों, साइंस पावर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज है 17 मई 2020, तो इसके सभी ही करंट अफेयर्स क्वेश्चन को हम विथ डिटेल के साथ और विथ फैक्ट के साथ सभी को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जिस किसी को भी इसका PDF डाउनलोड करना है तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर इसका PDF अपलोड कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों हम कल के सभी क्वेश्चन को, 16 मई करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। दोस्तों वो 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मछुआरों के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, सूक्ष्म खाद्य संस्करण माइक्रो फूड एंटरप्राइज इकाइयों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। दोस्तों इसका सही आंसर है 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए पशुपालन व्यवसाय में सुधार हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने 1,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात है, मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर आठ है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है COVAX 6800। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 15 मई 2020। इसका विषय क्या है दोस्तों, इसकी थीम फैमिलीज इन डेवलपमेंट कॉम्पेन एंड बीजिंग +25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। दोस्तों इसका सही आंसर है इटली ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संस्था के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने इस्तीफे की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, COVID-19 महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है। दोस्तों स्लोवेनिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है। दोस्तों इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज 17 मई के करंट अफेयर्स के बाद शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि COVID-19 के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 बिलियन डॉलर की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है ये वर्ल्ड बैंक की। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन प्रभाव कब से आया दोस्तों 1945 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, Washington DC में है, और यहाँ के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, जो कि वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ के MD और CFO कौन है दोस्तों, अंशुला कांत हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, सरकार ने किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक निर्यात समर्थन मंच यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चावल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय तट रक्षक बल के
ये पोत सचेत और दो इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जल अवतरण किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है ये ICG, ICG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। यहाँ के DG कृष्णा स्वामी नटराजन है। यहाँ का मोटो दोस्तों, यहाँ का लक्ष्य क्या, वाक्य क्या है दोस्तों, वयम रक्षामा दोस्तों, बी प्रोटेक्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने होप, यानी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात आइए दोस्तों, यहाँ का उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। यहाँ की राजधानी देहरादून है तथा गेस्टलैंड समर, यानी विंटर वक्त की राजधानी दोस्तों देहरादून है और समर राजधानी गैरसैंड है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। जिला दोस्तों 13 है। निर्वाचन सीट में दोस्तों लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 271 है। राजकीय चिन्ह की बात करें दोस्तों, राजकीय ये पशु कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी ये मोनाल है। राजकीय वृक्ष बुरांश है दोस्तों। राजकीय फूल ब्रह्म कमल है और राजकीय खेल दोस्तों फुटबॉल है। लोकनृत्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बरादानाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपाती, चपादी, कुमायू, गंडवाली तथा लोंग वीर नृत्य हैं। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बेले ऑफ फ्लोवर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों प्रसिद्ध बांध यहाँ पर दोस्तों है टेहरी बांध है, मनेरा बांध है तथा कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। लखवार बांध यमुना नदी पर है दोस्तों, और धौली गंगा बांध धौली नदी पर है। दोस्तों यहाँ पर बता रहे टिहरी बांध जो है वो दोस्तों भागीरथी नदी पर है, और दोस्तों भागीरथी नदी, मनेरा बांध और कांटेश्वर बांध, ये तीनों दोस्तों टिहरी बांध, मनेरा बांध और कोटेश्वर बांध भी भागीरथी नदी पर है। तो यहाँ के दोस्तों जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों थारू है, कोह है, मारा है, भोर तथा नीति है। दोस्तों आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख दर्रे की बात करें दोस्तों यहाँ के 3 दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की नई तारीख क्या है। तो दोस्तों 17 फरवरी, इसका सही आंसर दोस्तों 17 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक। दोस्तों जो फीफा अंडर 17 है दोस्तों, ये 2020 में होना था लेकिन COVID-19 के चलते हुए यहाँ पर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया दोस्तों 2022 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों बात आई है आप फीफा दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिक यानी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष ज्ञानी इफेंटिनो है, महासचिव फातिमा समोरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। दोस्तों इसका सही आंसर है बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। दोस्तों तीस्ता पेरेर ब्रिटेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अन्य रचनाएं जैसे जाजाति, बोरी सेलर, जोगन मुंडल, मनुष्य खूनकोर कूनो आदि। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने। तो दोस्तों गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। तो दोस्तों यहाँ कितनी है दोस्तों, इसका सही आंसर है 1.2%।
दोस्तों यूएन यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। दोस्तों यहाँ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषा दोस्तों 6 हैं, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। दोस्तों सदस्य देश 193 हैं। महासचिव एंटोनो गुटेरेस हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां, 16 मई 2020 को किस राज्य का 45वां दिवस मनाया गया है? दोस्तों सिक्किम राज्य का हाल ही में 45वां दिवस मनाया गया है। दोस्तों इसका गठन 16 मई 1975 में हुआ था। जिला चार है। दोस्तों यहाँ राजधानी की बात करें तो गंगटोक है। यहाँ का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग है, राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और प्रमुख न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। दोस्तों यहाँ के निर्वाचन में लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा 32 हैं। और यहाँ के दर्रे दोस्तों नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा, और दोस्तों एक और दर्रा है यहाँ पर नाकुला दर्रा, जहाँ पर चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों में मतभेद हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर हाल ही में यहाँ के लोक नृत्य है तमंग, सेलो, सिंगी चाम, मास्क डांस और सुब्बा डांस। राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों खांग चेंड जोंगा या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अभयारण्य है सिंगवा वन्य जीव अभयारण्य, क्योंग नोस्ला वन्य जीव अभयारण्य और जनजाति लेपचा जनजाति है। दोस्तों आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम और लेपचा। दोस्तों वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर COVID-19 महामारी का समाधान खोजने के उद्देश्य से HRD तथा IT मंत्रालय ने किस नाम से ऑनलाइन हैकथॉन लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है हैक द क्राइसिस इंडिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे, किसने जीवन नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने ने बनाया है। दोस्तों तो इन दो क्वेश्चन है दोस्तों आज के क्विज के लिए। दोस्तों इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों जिस किसी को भी इसका PDF डाउनलोड करना है तो दोस्तों टेलीग्राम है, यहाँ पर आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें से और इसको तमाम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी फेसबुक यहाँ पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।